घर की स्थिति कुछ ज्यादा ही डाउन थी, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि गांव में खेती बाड़ी भी कुछ है नहीं, तो करेंगे क्या गांव में। अब दो भाई हैं, सिस्टर है, शादी करना, सबकी घर मकान बनाना है, बहुत सारा खर्चा है, तो मेरा फिर दिमाग खराब होता था, तो मैं सोच सोच के परेशान हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ करते हैं, तो ऐसे करके बड़े भाई के साथ में आया था, बड़े पापा के लड़के के साथ में, तो यहाँ पे स्टॉल खोला मैंने। और फिर मैंने सोचा बड़ा भाई भी 12th कम्प्लीट कर लिए, अब आगे पढ़ेगा तो पैसे तो लगेंगे, अब आगे पढ़ाने के लिए पैसे है नहीं, करें क्या। तो फिर मैंने सोचा कि उसको भी यहाँ बुलाते हैं, तो उसको मैंने यहाँ बुलाया इंदौर में, और उसको इस स्टॉल पे छोड़ा मैंने। तब तक मैंने सोचा कि अब दो जने हो गए हैं, अब दो जने की जरूरत है नहीं, तो मैं और कुछ करता हूँ। तो मैं वापस वहीं गीतापुर का नौकरी करने चला गया। इंदौर की जनता ने मेरे को बहुत प्रेम दिया और यहाँ से मेरे को बहुत तरक्की मिली है, और इंदौर का भी बहुत बड़ा एहसान है। हम राजस्थान से हैं और राजस्थान में सोचा नहीं था कि हम इंदौर में आएंगे और इतना प्यार मिलेगा यहाँ पे, मतलब ऐसा सोचा नहीं था। और लोग सुबह से ही 9-10 बजे से इधर वड़े के लिए आ जाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आमची इंदौर चैनल में। और सबसे पहले तो आमची इंदौर को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों, आज जिनकी स्टोरी है वो है बाल किशन माली जी। ये राजस्थान से इंदौर आए थे दोस्तों कई साल पहले, और इन्होंने साबूदाने बड़े का स्टॉल लगाया है मैरियट होटल के सामने, और 10,000 की मात्र जॉब करते थे भैया। बट आज देखिए जो इनको सक्सेस मिली है, 5 से 6 स्टॉल इनके खुद के चलते हैं इंदौर में। और जो दोस्तों इनका जो साबूदाना बड़ा है, वो उसका साइज मतलब आप सोचिए कि इतना ज्यादा बड़ा रहता है कि इंदौर में है ना, इस तरीके का बड़ा आपने नहीं खाया होगा। बढ़िया तरीके से भैया इस बड़े को दही के साथ इतना बढ़िया तरीके से बनाकर देते हैं, और साथ में ही खिचड़ी भी। सुबह 8 बजे से भैया का स्टॉल चालू हो जाता है। 8 बजे से दोस्तों वैसे कौन खिचड़ी और बड़ा खाता होगा, बट भैया क्या देखिए जो इतना अच्छा टेस्ट दे रहे हैं, तो सुबह 8 बजे से इनके कस्टमर की लाइन लग जाती है। तो फ्रेंड्स प्लीज 10 से 15 मिनट का एक टाइम निकाल के आप इनकी मोटिवेशनल स्टोरी जरूर देखिएगा। फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। राम राम, नमस्कार, मैं हूँ मेरठ होटल विकास गार्डन के सामने बापट चौराहे पर अपने स्टॉल लगता है साबूदाने की खिचड़ी का, और ये मेरे को लगाते लगाते लगभग 8 से 10 साल हो गए हैं। और जब मैं पहले सोचता था कि कभी मैं भी इंदौर में आऊँगा या फिर इंदौर में कुछ अपना खुद का करूँगा, ऐसा कभी सोचा नहीं था। पर किस्मत है, कहीं से कहीं ले आ देती है, कहीं से कहाँ तक ला सकती है। तो पहले तो मैं जब इंदौर में आया तो मैंने सोचा क्या करेंगे, मतलब बड़े पापा का लड़का ही लेके आया था मेरे को इंदौर में। तो मैंने पहले नौकरी करी थी खिचड़ी का ठेले पर अपने सियागंज पटेल ब्रिज पे, वहाँ पे समथिंग मैंने 3 महीने काम करा। फिर वहाँ से मेरे को 2,500 रुपये महीना मिलता था सैलरी। वहाँ से फिर मैंने सोचा कि कहीं दूसरी जगह काम करते हैं तो सैलरी बढ़ेगी, थोड़ी नॉलेज भी आ गया था। तो उसके बाद में मैंने पटेल ब्रिज से काम छोड़ के जिला कलेक्टर अपने कोर्ट के वहाँ पर काम करा। तो वहाँ पर करा तो वहाँ पर लगभग 3,000 रुपये महीना देते थे, 3,000 रुपये महीना देते थे। तो वहाँ से फिर मैंने लगभग साल भर काम करा तो 3,000 से मेरी 4,500-5,000 तक वहाँ सैलरी हो गई थी। फिर वहाँ से मैंने सोचा कि नॉलेज आ गया, तड़के की तैयारी है। हाँ, तड़का लगेगा। ये कड़ी पत्ता है। हाँ, ये मूंगफली के दाने हैं। अच्छा, इसका तड़का लगता है। हाँ, मूंगफली के तेल में बनाते हैं। हाँ, मूंगफली का तेल ही लगता है। ये मूंगफली का तेल ही है। अब सैलरी भी कम पड़ रही है, उनको मैंने बोला भी था कि सैलरी बढ़ा दो, तो फिर भी अच्छा व्यवहार मिला उनसे और सीखने का बहुत कुछ मिला मेरे को। बहुत आभार है उनका, मेरे को एहसान है उनका सबका। इसमें ऑलरेडी सेंधा नमक डाला हुआ है। नमक डाला? हाँ, हम ऊपर से सेंधा नमक डालते हैं, इसी में ऑलरेडी लगा हुआ रहता है। जिन्होंने मेरे को काम सिखाया, नॉलेज दिया, फिर वहाँ से मैं गीतावन चौराहे पे हमारी मतलब परिचिति है उनके यहाँ नौकरी करने गया। तो वहाँ पे लगभग मेरे को 6 से 7 साल मैंने वहाँ काम करा, 6-7 साल वहाँ काम करा। फिर 6-7 साल के बाद में मैंने वहाँ से क्या कि काम छोड़ा था, कि सैलरी वहाँ पे मेरे को 6,000 से स्टार्ट हुई थी देना, उन्होंने मेरे को 6,000 से स्टार्ट करा तो 15,000 दे रहे थे। 15,000 में मैंने उनके यहाँ से काम छोड़ दिया था। फिर वहाँ से मैं यहाँ विजयनगर में आया, यहाँ पे हमारे गांव के एक दो मित्र वगैरह रहते थे, तो उनके साथ में आया। उनके साथ में फिर मैंने ये स्टॉल खोला, यहाँ पे स्टॉल खोला मैंने। तो फिर यहाँ पे धीरे धीरे चलने लगा। तो हम मेरा बड़ा भाई भी था, अब ये गाँव में रहता था, ये पढ़ाई करता था, और मैंने 9th पास करके छोड़ दी, मैं छोटा हूँ। तो घर की स्थिति कुछ ज़्यादा ही डाउन थी, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि गांव में खेती बाड़ी भी कुछ है नहीं, तो करेंगे क्या गांव में। अब दो भाई हैं, सिस्टर है, शादी करना, सबकी घर मकान बनाना है, बहुत सारा खर्चा है, तो मेरा फिर दिमाग खराब होता था, तो मैं सोच सोच के परेशान हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ करते हैं, तो ऐसे करके बड़े भाई के साथ में आया था, बड़े पापा के लड़के के साथ में, तो
तो यहाँ पे स्टॉल खोला मैंने, और फिर मैंने सोचा बड़ा भाई भी 12th कंप्लीट कर लिए, अब आगे पढ़ेगा तो पैसे तो लगेंगे, अब आगे पढ़ाने के लिए पैसे है नहीं, करें क्या। तो फिर मैंने सोचा उसको भी यहाँ बुलाते हैं, तो उसको मैंने यहाँ बुलाया इंदौर में, और उसको इस स्टॉल पे छोड़ा मैंने। दोस्तों ये भैया का मैं एड्रेस आपको बता देता हूँ, ये देखिए पीछे ये मैरियट होटल है साई जी के, आप थोड़ा सा आगे आएंगे और इसी चौराहे पे ये भैया का स्टॉल कॉर्नर पे आपको दिख जाएगा, और इनका टाइमिंग है सुबह 8 बजे से आपको खिचड़ी मिल जाएगी, रात के 11 बजे तक आपको मिलेगी। स्पेशल साबुदाने का बड़े अपना मिलते हैं बड़े, हाँ साबुदाने का बड़े। अच्छा, और साबुदाना का बड़े के कस्टमर आते हैं। अच्छा। अब रात को भी कल साबुदाना का बड़े लगभग 11:30 बजे खत्म हो गए थे, तो कस्टमर को मना करना पड़ा। अच्छा, मतलब अपने रेगुलर चलते रहते हैं बड़े। साबुदाना का बड़े हम जितने लगते रहते हैं उतना बनाते हैं, गर्मा गर्म बनते रहते हैं, एंड टू एंड बनाते रहते हैं साबुदाना का बड़े। कितने का देते हैं साबुदाना का बड़ा? दही में देते हैं 40 रुपए का एक पीस, सादे देते 30 रुपए का, 30 का एक पीस। 30 का? हाँ, सादे में रहता है नींबू मसाला। अच्छा। और मिर्ची वगैरह, मिक्सर वगैरह, और उसमें दही ऐड हो जाता है दही वाला, उसमें दही में शक्कर का ये हो गया जीरा अपना, ये जीरा हो गया, हाँ जीरा डाल दिया इसमें, मिक्स है नमक मसाला, 2-3 प्रकार के मसाले मिक्स है। अच्छा। जैसे काली मिर्ची, लौंग वगैरह सब इसी में मिक्स है। और जो मूंगफली का दाना है, काली मिर्च मसाले और ये मूंगफली, हाँ ये मूंगफली का दाना है, और जीरा भी जितना अनुसार लगे उतना बड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा। और इसमें भी सौंफ वगैरह भी मिक्स है। अच्छा, मिक्स है, हाँ सौंफ वगैरह। ये अपना कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता हो गया, कड़ी पत्ता बहुत सारे ऐड करते हैं, बहुत सारे नहीं भी करते हैं, सबकी अलग अलग रहती है। इससे तब तक मैंने सोचा कि अब 2 जने हो गए, अब 2 जने की जरूरत है नहीं, तो मैं और कुछ करता हूँ, तो मैं वापस वहीं गीतापुर पर नौकरी करने चला गया। तो उनसे सेठ जी से मेरी बात हुई, तो उन्होंने बोला चल भाई एक काम करते, तेरे को 18,000 रुपये महीना दे देंगे। तो मैंने ठीक है मैं आ जाता हूँ। फिर मैंने 3-4 साल और काम करा उनके यहाँ पे, जब तक साइज तो काफी बड़ा ही है अपना, बड़ा ही है। 30 रुपीज़ के हिसाब से मतलब एक बार एक में टन टन हो जाता है, ग्राहक एक बड़ा ही खाने के लिए आता है। एक बड़ा 30 रुपये का रहता है ना, चाहे वो खिचड़ी खा लो या बड़ा खा लो। अच्छा, वो सारे बड़े खुद घर पर बनाते हैं ना वो लोग, यहाँ से देख के। अच्छा। तो उनसे बड़े बनते हैं नहीं घर पर, वो वापस आते हैं खुलने के लिए। भैया तुम बड़े बनाते हैं जैसे, हम तो तेल के अंदर डालते हैं और बड़ा फट जाता है। भैया ये संभालते थे बड़े वाले, और फिर मैंने ऐसे करके रानीपुरा अपना जहाँ पे एक ठेला बिका था, तो उसका मोल हुआ था 40-45 हज़ार रुपये। मैं तो वो खरीदा मैंने, अब बड़े पापा का एक छोटा वाला लड़का था, तो उसको मैंने भाई को बुलाया। हाँ, ये सिंपल दही है, अपन दूध के डेयरी से मिला सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं। हाँ। हम तो दही घर पे बनाते हैं। अच्छा। डेयरी से बहुत कम लाते हैं क्योंकि महंगा भी बहुत पड़ता है। और ये शक्कर हो गई, इसमें शक्कर का बुरा नहीं डालना है, शक्कर ही डालना है, बुरे से टेस्ट सही नहीं आता है। अगर उसको डाल के थोड़ा घुमा लिया तो शक्कर भूल जाएगी इसके अंदर। ये आप सेक के डालोगे ना, तो हम मसल के, तो और टेस्ट अच्छा आएगा। हाँ, भुना हुआ जी, भुना हुआ जीरा, काली मिर्ची जी, लौंग वगैरह जो भी मसाला हमारा। अच्छा। ये सब इसमें मिक्स है, ये हमारा खुद का बनाया हुआ है। ये बड़े का ही मसाला है स्पेशल, और खिचड़ी का मसाला अलग है। अच्छा। थोड़ा क्रिस्पी है ये। अच्छा। और आपको अगर कम करना हो तो उस हिसाब से। ये हमारे चाय वाले भैया बड़े के शौकीन है। अरे क्या, जब बड़ा के लिए बनाते हैं ना तो ये सबसे पहले वही मांगता है, पहले गर्मा गर्म है। ये सबसे बढ़िया नाश्ता है 30 रुपये में। ये दही वाला 40 का है, और बिना दही वाला सादा 30 रुपये। इसमें ये मसाला ऐड करा, और इसमें मीठा वाला मिक्सचर ऐड करना है। मीठा वाला, हाँ आलू का फजाली मीठा वाला मिक्सचर जो खिचड़ी में ऐड करते हैं वो वाला, और ये मूंगफली के दाने डालना है काली मिर्ची के, बहुत बढ़िया। और भी इसमें आप धनिया ऐड कर सकते हो, और अगर आपको ड्राई फ्रूट ऐड करना हो तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे ड्राई फ्रूट भी ऐड करते हैं, और अपने को क्या महंगा पड़ता है, तो फिर अपन ड्राई फ्रूट ऐड नहीं करते। कैसा लगा ये आपको ये बड़ा? यूनिक बड़ा डिस्ट है, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर, और बहुत काफ़ी समय से खा रहा हूँ मैं, मतलब मेरी फर्स्ट फेवरेट यही। अच्छा, मतलब आते साथ सबसे पहले आपका नाश्ता यही रहता है? यही रहता है, बहुत अच्छा टेस्ट है। बाकी आप आइएगा और खाइएगा इंदौर में, बिल्कुल स्पेशल। तो उसको मैंने बोला कि चल एक काम कर, तो अपने यहाँ काम करने लग जा, जो भी सैलरी होगी देख लें। फिर उसको मैंने रानीपुरा में रखा। फिर सेठ जी ने बोला एक काम करते हैं, अपन भी यहाँ 2 जने हो रहे थे, एक दुकान और लगाते हैं पार्टनरी में। मैंने ठीक है लगाते हैं। तो फिर ऐसे करके रंजीत हनुमान भवन आका पे अपन ने एक दुकान लगाई, वहाँ दुकान लगाई। उसके बाद में हमने छावनी में लगाई,
छावने के बाद में अगर सेन में लगे, आनंद बाजार में लगे, ऐसे करके चार पांच दुकानें लगे। अब दुकानें हो गई ज्यादा, बंदे मिल नहीं रहे, करें क्या। तो सेठ जी ने बोला एक काम करता है, एक दुकान तू रख ले, एक दुकान मेरे जैसे भी जवाई जी है उनको दे देते हैं, ऐसे दुकान अपन बांट लेते हैं। तो मैंने बोला ये भी अच्छी बात है, मेरे पास भी एक ही ठेला है तो एक दुकान मिल जाएगी मेरे को। तो ऐसे करके दो ठेले हो गए थे, एक दुकान रंजीत हनुमान वाली सेठ जी ने मेरे को दे दी थी, तो उनका भी बहुत बड़ा एहसान है मेरे पे। आज भी सेठ जी मेरे को, कल भी मेरे को लगभग तीन चार कॉल किए, मतलब हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन लगाते रहते हैं। उनका बढ़िया व्यवहार भी अच्छा है और उनके साथ में जुड़े हुए तो अच्छा लगता है। तो रंजीत हनुमान वाली दुकान ली हमने, और उसके बाद में धीरे 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 किस्मत में अच्छा साथ दिया। इसके बाद में हमने 78 में एक स्टॉल लगाया, 78 में प्रेस्टीज कॉलेज के सामने साची पॉइंट के पीछे, वहाँ पर भी अच्छा रिस्पॉन्स है। साल दो साल हो गए लगाते वो अच्छा चल रहा। फिर हमने स्टार चौराहे पर डाला, वहाँ से भी अच्छा है। उसके बाद रानीपुरा वाला तो चल ही रहा, रंजीत हनुमान पर चल ही रहा। उसके बाद में बड़े पापा ये चिप चाट बनेगी, एक लड़का और है बीच वाला, तो बोला यार मेरा भी कुछ करना है, मैं भी गांव में ऐसे घूमते फिरता हूँ। तो उसको भी मैंने फिर इंदौर बुलाया, फिर MR10 पे उसका एक स्टॉल वहाँ पे लगवाया, वहाँ पे भी दो तीन साल हो गए अच्छा चल रहा है। फिर एक हमारे साथ में एक भाई और रहता था परिचिति, भोपाल है वो, भीलवाड़ा साइड राजस्थान का ही है, और उसको भी साथ में रहता था, वो भी बोलता है मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। तो उसको भी अपन ने गोरी नगर चौराहे पे एक स्टॉल लगाया उसका, उसने भी अच्छी खासी दुकान बना ली, बापट से थोड़ी आ गई है, और बाद में अच्छा चल रहा है सबका। अभी है ना जैसे कि खिचड़ी तो मैंने वहाँ काम सीखा और खुद बनाते बनाते सीखा, और बड़े का तो साबुदाने को बड़ा बनाना पड़ा है, सादा रहेगा बिना रहेगा, मैंने खुद ही बनाना सीखा। किसी से ना तो नॉलेज लिया और ना ही किसी के वीडियो वगैरह भी नहीं देखे, बस इतना पता था कि एक बार मैंने सुना था कि साबुदाने के बड़े कैसे बनते हैं, बस इतना सा पता था। उसके बाद में कभी तो नमक ज़्यादा, कभी मिर्ची ज़्यादा, ऐसे करके मैंने खुद खा करके टेस्ट कर करके सीखा। और जैसे जैसे नॉलेज आता गया ना, वैसे वैसे फिर ग्राहकों को खिलाया मैंने, तो ग्राहकों ने बोला भैया ये चीज़ की कमी है, ये ज़्यादा है, ग्राहक खुद बताते गए और मैं वैसे वैसे डालता गया। और उसके बाद में ग्राहक जैसे कि आते हैं ना, तो सुबह 8 बजे जैसे अपनी दुकान खुलती है, सुबह 8 बजे खिचड़ी की दुकान इंदौर में सबसे पहले अपनी दुकान खुलती होगी मेरे को ऐसा अंदाज है। सुबह 8 बजे खिचड़ी के ग्राहक, और आगे से मैं गेट बंद ही रखता हूँ। अभी आप आए थे आपको पता ही था कि आगे से बंद ही थे, आगे से मैं इसलिए नहीं खोलता हूँ, जैसे गेट खोलता हूँ तो ग्राहक आने लग जाते हैं। अब ग्राहक आते हैं ना तो मैं काम ही नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए सुबह 8 बजे तक तो से खोल ही देता हूँ, 7 बजे आ जाता हूँ मैं, काम वाम करता हूँ, पीछे काम करता हूँ, और आगे से गेट बंद रहते हैं। 8 बजे जैसे गेट ओपन होता है और आपके सामने जैसे मैंने गेट ओपन करा और ग्राहक आने लगे, खैर ग्राहकों का भी बहुत अच्छा सम्मान है, मेरे को बहुत इज्जत भी दे रहे हैं, और ग्राहक आ रहे, टेस्ट भी अच्छा है। बड़े का सुबह से आता है तो बड़े भी मांगने ग्राहक, और खिचड़ी भी मांगते हैं, दही खिचड़ी भी मांगते हैं, और ये रात को 12 बजे तक अपना खिचड़ी मिल जाती है। इंदौर की जनता ने मेरे को बहुत प्रेम दिया और यहाँ से मेरे को बहुत तरक्की मिली है, और इंदौर का भी बहुत बड़ा एहसान है। हम राजस्थान से हैं और राजस्थान में सोचा नहीं था कि हम इंदौर में आएंगे और इतना प्यार मिलेगा यहाँ पे, मतलब ऐसा सोचा नहीं था। और घर वाले भी खुश है, दोनों भाइयों की शादी भी हो गई है, भगवान की कृपा से मकान बन गया है गाँव में, और पहले कुछ भी नहीं था हमारे पास। गांव में 50 रुपये देने से पहले लोग सोचते थे कि इसको 50 रुपये दूंगा तो ये देगा कैसे। आज अगर एक मतलब आज 50 लाख या 5 लाख रुपए मांगो तो मना नहीं करते। आज अपना खुद का यहाँ पे मकान खुद का हो गया है, सिंगापुर टाउनशिप का प्लॉट ले लिया अपने, मतलब खूब तरक्की करी है। तो साथियों आपने मतलब पूरे इंदौर में खिचड़ी तो सब जगह खाई होगी, पर ये जो वड़ा है ये काफ़ी यूनिक है, मतलब इतने बड़े साइज का आपने वड़ा इंदौर में कहीं नहीं देखा होगा। 30 रुपीज़ का देते हैं और ये पूरा दही वही में बना के 40 रुपीज़ का। मेरे ख्याल से एक बार आपने खा लिया ना तो मज़ा आ जाएंगे, पूरे दिन भर का काम हो जाएगा, और लोग सुबह से ही 9-10 बजे से ही इधर वड़े के लिए आ जाते हैं। बहुत ही क्रिस्पी है, और इनका वड़े का मसाला भी अलग ही है, जो ऊपर से बिल्कुल कॉम्बिनेशन वाला ये लोग मसाला डालते हैं वो बिल्कुल अलग है, खिचड़ी का अलग है। अलग ही टेस्ट आ रहा है साथियों, तो वर्थ है, आप लोग भी खाइएगा ये स्पेशल वड़ा। इस एड्रेस में आपको समझा देता हूँ, ये मेघदू चौपाटी है और मैरियट और वापट चौराहे के बीच में जो छोटी सी चौपाटी लगती है उधर आपको मेन चौराहे पे इनका दिख जाएगा भोलेनाथ खिचड़ी के नाम से। तो आइएगा और ये बढ़िया वड़ा टेस्ट करिएगा और खिचड़ी भी ट्राई करिएगा। तो साथियों मिलते हैं आमचिंदौर के अगले वीडियो में। ये व्हाट्सएप नंबर है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज सजेस्ट करते रहिए ताकि हम लोगों को मोटिवेट करते रहें। तो साथियों मिलते हैं आमचिंदौर के अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा, टेक केयर एंड बाय बाय।